हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को जय गुरु। मैं यहाँ पे आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ बाथरूम क्लीनिंग वीडियो, और भी इसमें बहुत कुछ ऐड है, जैसे कि मैंने क्या क्या किया है आफ्टरनून तक, वो सब भी इसमें मैंने ऐड किया है। तो मेरा कोई वीडियो बनाने का यहाँ पे नहीं था कि मैं बाथरूम क्लीनिंग का वीडियो बनाऊंगी। मैं बाथरूम क्लीन कर रही थी, आधा मेरा क्लीन हो भी चुका है बाथरूम। मैंने सिंक को सब मैं जब से जब भी बाथरूम क्लीन करती हूँ, सबसे पहले मैं सिंक को क्लीन करती हूँ। सिंक क्लीन करने के बाद फिर मैं नीचे फर्श या फिर जो टाइल लगे हुए हैं उसको मैं क्लीन करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने सिंक वगैरह सब मतलब आधा मेरा बाथरूम क्लीन हो चुका है। उसके बाद मैंने जो सोचा कि चलो मैं इसकी वीडियो शूट कर लेती हूँ, तो फिर मैं इसकी वीडियो शूट करने लगी। सो गाइस, अब वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पूरा वीडियो देखिए। बाथरूम में डेली क्लीन करती हूँ, उधर का जो बेडरूम का बाथरूम है उसको सबसे पहले क्लीन करती हूँ। ये मैं नहाने के टाइम क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे क्या है ना कि मैं डेली जैसे क्या इतना ब्रश वगैरह नहीं लगाती हूँ, लेकिन एक दिन दो दिन गैपिंग करके ब्रश लगाना ज़रूरी इसमें हो जाता है, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो बाथरूम को मैं हमेशा मेरा कोशिश रहता है कि मेरा बाथरूम क्लीन रहे। रूम थोड़ा बहुत गंदा रहे तो चलता है, लेकिन बाथरूम क्लीन रहे। बाथरूम में डेली क्लीन करती हूँ, एक भी दिन गैपिंग नहीं करती हूँ। बाथरूम क्लीन करने में मेरा मतलब रूटीन में हो चुका है, जैसे नहाना ज़रूरी हो ऐसे मैं बाथरूम को साफ़ करना ज़रूरी समझती हूँ। और तो क्योंकि क्या है ना कि टाइल्स लगे हुए हैं, अगर बाथरूम क्लीन नहीं करती हूँ तो पूरे ऐसा नहीं है एक बार दो तीन बार ही भी जैसे वाइपर लगाना पड़ता है पानी डाल के, ये पानी है तो वाइपर से साफ़ करना पड़ता है दिन भर में दो तीन बार, क्योंकि बच्चे हैं बाहर से खेल के आए, हाथ पैर धोए या फिर जैसे जा कर के हाँ सिंक में हैंड वॉश की, तो ये सबसे ना थोड़ा गंदा होता है तो ये सिंक भी मुझे साफ़ करना पड़ता है। तो इस वजह से ये बाथरूम मेरा ज़्यादा यूज होता है। रूम का थोड़ा मैं कम यूज जानबूझ के करती हूँ कम यूज करने के लिए, क्योंकि रूम का है ना तो थोड़ा सा ये होता है कि बाथरूम में ऐसा थोड़ा सा फील होता है मुझे होता है। इस वजह से मैं बाथरूम का कोशिश सॉरी रूम का जो बाथरूम है उसका कोशिश करती हूँ कि कम यूज हो। उधर के जो गेट आप लोग देख रहे हैं, उधर मैंने वॉशिंग मशीन रख रखा है। अब यहाँ मैं बाथरूम क्लीन कर चुकी हूँ, और उसके बाद फिर यहाँ अब बकेट वगैरह साफ़ करके फिर अब मैं नहाऊँगी। बाथरूम क्लीन करने के बाद फिर नहाई मैं, और नहाने के बाद फिर मैं अभी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। एक्चुअल में ब्रेकफास्ट तो मैंने पहले बना लिया था, नहाने से पहले बनाई थी, क्योंकि बाबू का क्लास है ना तो मैं वो दोनों को खिला चुकी थी। लेकिन क्या है ना कि पोहा ऐसा है ना, मुझे पर्सनली पोहा एक बार जब जब बनता है तो ही अच्छा लगता है, उसको फिर दोबारा गर्म करके मुझे पोहा बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप खा लीजिए और मैं बाद में खा लूँगी नहाने के बाद, लेकिन ये नहीं, एक घंटा मेरा वेट किया कि आप नहा कर के आइए। और मैं कि उससे पहले भी मतलब बनाया नहाई बहुत पहले नहा चुके थे, मैं बनाई पोहा फिर मैं नहाई, तो काफ़ी टाइम लग गया मुझे, तो ये तब तक वेट कर किए मेरा। सुबह ना भाग भाग के काम करना पड़ता है, अगर आराम से करती हूँ तो फिर लेट हो जाती हूँ, और सुबह में वॉकिंग भी जाती हूँ तो उसमें भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि आधा घंटा पौन घंटा मेरा सुबह चला जाता है, तो उसमें भी काफ़ी टाइम जाता है। हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। अभी सुबह के बज रहे हैं 11, और मेरा अभी नाश्ता वास्ता सब हो गया है, क्लास भी ख़त्म हो गया बाबू का, एक क्लास और बचा हुआ है 12 से 1 का। और तो
और कौशिकी का भी क्लास था आज 9 से 10, और सुबह के काम हो गए हैं। बस ब्रेकफास्ट जो हम लोगों ने किया है उसका बर्तन साफ़ करना है, और मशीन में कपड़े लगाए हुए हैं वो जब धुल जाएंगे तो बाहर फैलाऊंगी, यही काम है। और आज मैंने बाल धोए, अभी गीला है, धूप नहीं निकल रही है आजकल, कल निकली थी धूप, आज नहीं निकल रही है। और अभी ना मुझे सामान का लिस्ट बनाना है, मुझे बाहर जाना है, सामान ख़त्म हो चुका है, उसका लिस्ट बनाऊंगी मैं क्या क्या लाना है मुझे। तो क्योंकि ना कुछ कुछ चीज़ें होती है ना जो माइंड में नहीं रहती है, निकल जाती है, क्या लाना है नहीं लाना है, तो लिस्ट में बना लेती हूँ तो वो सही रहता है। और ऐसे मैं क्या करती हूँ ना, लिस्ट कैसे बनाती हूँ, जब कि मैं किचन में हूँ तो किचन का सामान ख़त्म हुआ तो उस टाइम में उसे लिख लेती हूँ, लेकिन आजकल ऐसा हो नहीं रहा, आजकल मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जा रही हूँ तो नहीं हो पा रहा है। अभी मैं फ़िलहाल बैठ कर के पहले लिस्ट बना लेती हूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ, जाऊँगी लगभग लंच के बाद ही जाऊँगी, शाम को जाऊँगी, अभी नहीं जाऊँगी क्योंकि अभी काम भी बहुत है, और फिर बाबू का क्लास भी है, अभी एक क्लास बाकी भी है। तो अभी फ़िलहाल मैं चलती हूँ, मशीन में कपड़े लगा रखी हूँ, बर्तन साफ़ करना, लिस्ट बनाना, फिर लंच भी बनाना। लंच में क्या बनाऊँगी अभी तक मैंने सोचा नहीं है, बाल अभी सूखेंगे तब मैं बाल झाड़ूंगी, अभी बाल गीला ही है। तो क्या होता है ना कि गीले बालों में काम करने का भी इच्छा नहीं होता है जब तक सूखे ना, और फिर खास करके किचन का काम, तो मैं सोच रही हूँ सूख जाए उसके बाद फिर किचन का काम करूँ। तो अभी बाबू मेरी पढ़ रही है, छोटी वाली का क्लास 9 से 10 था, बड़ी वाली का क्लास 10 से 11 था, और फिर उसके बाद फिर 12 से 1 है। तो 1 घंटा मेरे पास टाइम है, चलिए मैं फटाफट करती हूँ, उसके बाद फिर आप लोग से मिलती हूँ। वैसे आज ज़्यादा मुझे परिश्रम नहीं पड़ा, बस मैं 9 से 10 बैठी रही छोटी वाली के साथ, फिर 10 से 11 पापा बैठे तो इधर मैंने काम किया, और फिर 12 से 1 भी वही बैठ जाएंगे, लेकिन फिर भी होता है ना बीच बीच में बुलाते हैं उनको कुछ, जैसे क्योंकि डेली मैं करवाती हूँ तो उनको कुछ पूछना होता है तो इस बीच बुलाते हैं मुझे, तो इस वजह से उस टाइम थोड़ा फ्री रहना होता है मुझे। सो चलिए तो मैं फटाफट काम कर लेती हूँ, बातें तो बहुत हो गई है। मैंने बेडशीट चेंज किया ना, उसके बाद देखा कि पिल्लो कवर की सिलाई खुली हुई है, तो मैंने सोचा कि चलो इसे सिल लेती हूँ पहले, उसके बाद लगाऊंगी, फिर लगाने के बाद फिर बहुत ही ज़्यादा आलस आ जाता है कि छोड़ो, तो इस वजह से छूट ही जाता है वो, तो मैंने सोचा कि नहीं सिल लूँगी उसके बाद ही लगाऊंगी इसे। सो गाइस, तो मैं ना अभी बेडशीट बिछाई हूँ और मैं पिल्लो कवर लगा रही थी, तो मैंने देखा कि थोड़ा सा फटा हुआ है, तो मैं सोची कि फिर सिल लेती हूँ, फिर पता है क्या लग जाने का फिर गिर जाएगा फ़ोन बेटा, फिर आलस हो जाते हैं तो नहीं लग पाते हैं, नहीं सिल पाते हैं। तो मैंने सोचा कि पहले मैं सिल लेती हूँ, बाद में फिर लगाऊंगी, और बाबू का भी क्लास चल रहा है और मैंने कपड़े बाहर फैला दिए हैं, तो बाबू का क्लास पापा करवा रहे हैं, और अभी टाइम ओहो अब क्लास ख़त्म ही होने वाला है, 10-15 मिनट और होगा, तो मैं अभी मैंने सिल लिया है कवर, अब उसको लगा लेती हूँ, और उसके बाद आज मुझे लंच कुछ स्पेशल बनाना है। क्या हो ना कि कभी कभी जो क्या कह सकते हैं उसे, किसी को खाते हुए देखते हैं ना तो कैसे इच्छा करता है कि हम भी ऐसे यही खाएं, तो मेरे हस्बैंड ऑफिस में किसी को कुछ देखे खाते हुए तो उनका इच्छा कर रहा है कि वो खाएंगे तो बनाइए, तो मैं बोली ठीक है बनाती हूँ, तो लंच में आज वही बनाऊँगी। तो अचानक मैं ऐसे पूछी खाना क्या बनाऊँ, तो वो बोले कुछ भी बना दीजिए, मैं बोली कुछ मुझे बनाने आता नहीं है, मुझे हंसी आ रही, मैं बोली कुछ मुझे बनाना आता नहीं, कभी सीखे ही नहीं, अगर आप सिखा दीजिए तो मैं बनाऊँगी, तो बोले कि हाँ फिर मतलब कुछ बना दीजिए, बेटा रुकिए तो बात करने दीजिए, वैसे मैं जब भी पूछूँगी ना तो यही कहते हैं कुछ बना दीजिए। और मेरा बाल भी ना गीला है, तो बाल भी नहीं सूखे, मैंने लपेट लिया था काम करने के टाइम में, अभी थोड़े अभी बर्तन रखे हैं धुलने को, थोड़े से ही हैं, ज़्यादा नहीं है, और बस वो लंच बनाऊँगी मैं, तो अभी 1:15 बज रहे हैं, तो और हाँ तो फिर वो बोले कि कुछ भी बना दीजिए, मैं बोले कुछ मुझे बनाना आता नहीं है, अगर आप कहिएगा तो आप सिखा दीजिए तो मैं बनाऊँगी, तो फिर वो बोले कि कुछ बताए, जो कि मैं इस वीडियो में आप लोग से उसकी रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, ना ही बताऊँगी कि क्या बना रही हूँ मैं, वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो का क्या, मुझे आज बहुत हंसी आ रही है,
ये ना बगल में बाबू है, मैं इसे लेकर के नहीं इधर हूँ। ऐसे क्या होता है ना, जैसे पापा नहीं रहते हैं घर पे, मैं उसका क्लास करवाती हूँ तो वहाँ पे वो खिलौना लेकर के खेलते रहती है, डिस्टर्ब नहीं करती है। हाँ, लेकिन आज ही बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, तो पापा उस रूम में गेट बंद करके उसे पढ़ा रहे हैं और मैं इसे इस रूम में लेकर के रह रही हूँ। मैं सिलाई कर रही हूँ, अपना खेल रही है या मैं कुछ भी कर रही हूँ, तो अगर वो मैंने इसे चीज़ छोड़ दिया ना तो ये जा कर के परेशान करेगी। इस वजह से मैं इसे यहीं पर ले कर के हूँ। तो मैं इस वीडियो का बस यहीं पर एंड करती हूँ। और यहाँ का ना मुझे ऐसे ने सेट किया ना कैमरा, तो मुझे बैकग्राउंड अच्छा लगा। अभी मैं पहले कवर लगा लेती हूँ, मैंने अभी कवर लगाया नहीं है। वो टैडी से खेल, एक टैडी पे बैठी है, दूसरे टैडी को गोद में ली हुई है। हाँ, तो मैं इस वीडियो का भाई यहीं पे एंड करती हूँ, अब इसे ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो मेरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं रेसिपी शेयर करूँगी, क्या मेरे हस्बैंड का फरमाइश है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आप लोगों को। तो इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ गाइज, जो चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।